स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। रणवी कित्थे जा रहा है? छत पे सोने जा रहा हूं। आज जो वीरा ने मैंने पूछा, क्या वो सच था? रणवी के बारे में ये सब सोचना, क्या मैं सच में रणवी की तरफ एहसान से ज्यादा कुछ और महसूस करने लगी हूं? शायद प्यार। लेकिन वीर जी, पहले आप मैनू बताइए, कल आप घर क्यों नहीं आए थे? ओ कल काम इतना था ना इतने, और रात में इतना थक गया था कि फिर से ही सो गया। अच्छा, दर्द छुपाने का काम। हाँ वीर जी आपको क्या लगता है, मैनू कुछ पता नहीं चलेगा? ये सिर्फ हम लोगों को सच्चाई ना पता चले, इसलिए आप हमसे दूर यहाँ चले आते हैं? हाँ तू ऐसा छोड़ ना, तू बता तू यहाँ पे ऐसे भाग के क्यों आई? वीर जी, मैंने ना आपको बताना था कि खुशियों ने अपना कदम आपकी तरफ बस बढ़ा ही लिया है। वीर जी, अब आपके सारे दर्द खत्म हो जाने हैं, सच्ची। वीर जी, मैंने ऐसा लगता है कि गुंजन भाभी आपको पसंद करने लग गई। हीरा, मैंने इस बारे में कोई गल नहीं करनी। मैं जानता हूँ कि तू ऐसा मेरी खुशी के लिए कह रही है, लेकिन वीर जी, ऐ तो है कि मैं अपनों बहुत चाहती हूँ, पर मैं आपको ऐ भी बहलाने फुसलाने वास्ते नहीं कह रही हूँ, सच्ची ऐसा है। आप जानते हैं, गुंजन भाभी ने ना बलदेव से लड़ाई की, कह रही थी कि आपके खूब सारे एहसान है उन पर, वो आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना करे, सच्ची। ओए होए, मैनू तो लगता है एहसान मानने में और प्यार करने में फर्क होता है ना वीरा। लेकिन मैनू कोई तकलीफ नहीं है वीरा, तकलीफ तो तब होनी है जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, लेकिन मैनू कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कब से गुंजन के प्यार के लिए इंतजार करना छोड़ दिया। पता है, कल रात को जब मैं इत्थे था ना, तो अकेले में यही सोच रहा था कि जो चीज मेरी है ही नहीं, मैं उसके लिए अपने आप को दर्द क्यों बचाऊं? पर मेरे ऐसा करने से मेरे घर वालों को भी दर्द होगा, इसलिए जो मेरे अपने हैं उससे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा खुश रहूंगा। इसलिए अब से मैं अपनी खुशियों और अपने दर्द की डोर गुंजन के हाथों में नहीं दूंगा, मैं उसके बिना ही हंसना सीख लूंगा। वीरा, तेरे लिए, जी के लिए, अपनी चाय जी के लिए हमेशा खुश रहूंगा और आगे की जिंदगी हंसते हुए निकालूंगा। आपके एक एक शब्द में कितना दर्द भरा है वीर जी, आपके चेहरे से पढ़ सकती हूँ मैं। मैं जानती हूँ वीर जी कि आपकी खुशियां तभी पूरी होंगी जब आपको गुंजन का प्यार मिलेगा, और ऐ वादा करती हूँ मैं आपसे, ये प्यार आपके पास खुद चल कर आएगा, वो भी जल्द। इस एहसान से प्यार तक का सफर गुंजन को पूरा करना ही होगा, और उससे मैं करवा कर रहूंगी। Thank you.
एक कुर्ता यहां। शायद बीजी या वीरा ने इत्थे रखा होगा। अरे ये तो बटन टूटे हुए हैं। एक्चुअल जगह से निकलना भूल गया। कल तक तो वीर जी का कोई भी काम करने से भागती थी आप, फिर आज क्यों होया? खुद से ही बटन सिलना चाहती हैं। रहने दीजिए गुंजन भाभी, आप ना अपने खूबसूरत हाथों को बिल्कुल तकलीफ ना दीजिए। आप ये रहने दीजिए, है ना, मैं कर लूंगी। और वैसे भी अपने आप पर दबाव डालकर वीर जी का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है आप लोग। बहुत जोर से भूख लगी है। आप ना लीजिए, जब बीजी और चाई जी घर आ जाएंगी ना तो मैं उन दोनों के मुंह में भी कचौरियां ठूस दूंगी, फिर वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगी, है ना। खाई 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 के कपड़ों पर कम से कम इस्त्री मार देती हूं। ए तो की करने की कोशिश कर रही है वीरा,
सुबह से मैं रणवीर के काम करने की कोशिश कर रही हूँ और तू छीन रही है, क्यों? वही तो, क्यों का जवाब मैनू भी चाहिए। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ, हाँ बताइए ना, अचानक से क्यों होया? आपको कुछ चाहिए कि जिसके कारण आप ऐसे कुछ कर रही हैं? वो बस ऐसे ही, ऐसे ही। जब से आप इस घर में आई है ना, तब से वीर जी की खातिर आपने एक तकिया तक नहीं पलटा, और आज अचानक उनके सारे काम करने हैं आपनों। क्यों भाई, उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सब कुछ बिना किसी मतलब के करना चाहती हैं। देखिए, अगर आप सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वीर जी के एहसान है आप पर, तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। तो क्या है ना, मेरे वीर जी एहसान नहीं गिनते, क्योंकि वो जानते हैं रिश्तों में एहसान नहीं होता, होता है तो सिर्फ अपनापन। हाँ, लेकिन अगर आपके दिल में कोई और बात है जो आप बताना चाहती हैं मैनू, तो ठीक है, बताइए, मैनू भी जानना है। नहीं वीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वो मैनू रसोई जाना है, गैस पे दाल चढ़ाई है मैंने। कुछ नहीं है ऐसा, क्या गुंजन भाभी झूठ बोल रही हैं कि उनके दिल में वीर जी के लिए वो फीलिंग्स नहीं है, या शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ? मेरी गलती है, शायद वीर जी सही कहते हैं, गुंजन भाभी उनका सिर्फ एहसान मानती हैं। अरे मेरे रब्बा, जो कुछ भी हो रहा है ना, बड़ा कंफ्यूजन है। शायद सही वक्त ही इसका सही जवाब दे पाएगा। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ, हाँ? मैं सब क्या कर रही हूँ, मुझे आज जो वीरा ने मैंने पूछा, क्या वो सच था? रणवीर के बारे में ये सब सोचना, क्या मैं सच में रणवीर की तरफ एहसान से ज्यादा कुछ और महसूस करने लगी हूँ? शायद प्यार। रणवीर बता सब, तू यहाँ क्या करने आया था? बता सब लोग, तू चाय जी की दवाइयां लेने आया था? अब पराठे किधर हैं? बस गुंजन और पराठे नहीं बनाएगी, बहुत बना लिया उसने। ऐसी कौन सी बात है जो जो तुम तीनों हमसे छुपा रहे? बताना रणवीर कहाँ थी? गुंजन मेरे नाल सारा था। तेरी बीजी के गहने जो तूने गिरवी रखे थे छुड़ा लिया मैं, तुम्हें जाके वापस कर दिया। उसने हमेशा मेरी मदद की है, जो किसी ने नहीं की, मेरे अपनों ने भी नहीं। मैं रणवीर से प्यार नहीं करती और ना कर पाऊंगी, मैं सिर्फ एहसान मंद हूं उसकी, और अपने किए का पश्चाताप कर रही हूँ। रणवीर को मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर भी बिना स्वार्थ के उसने हमेशा मेरी मदद की है, तो अगर बदले में मैं उसके लिए ऐसा करूं और उसके काम आऊं, तो उसमें बुरा क्या है? बस यही है और कुछ नहीं। Thank you.
किथे जा रहा है? छत पे सोने जा रहा हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।